Welcome back. Campaigning for the upcoming polls is going on in full swing, and CNN News 18's Arunima got a chance to catch up with the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, about the upcoming polls. And in fact, he also talked about various issues like the opposition allegations against the BJP and lots more. And like the Defence Minister Rajnath Singh, he too recalled his personal ordeal during the emergency days, where he says that his knees and elbows were smashed with batons. Take a look. हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार विदिशा में तो आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में भी आप घूम कर आए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में और देश में क्या चुनावी आकलन कर रहे हैं? एक ही चीज है, अपने देश को आगे बढ़ते हुए देख के हर भारतवासी प्रसन्न है। विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया और उसको पूरा कर रहे हैं, उससे हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज पूरा देश के लिए जो काम किया मोदी जी ने, जनता के लिए जो काम किया, उसके कारण मोदी जी के प्रति केवल प्रेम नहीं रखता, उनको केवल नेता नहीं मानता, उनको श्रद्धा की नज़रों से देखता है और उनके प्रति भक्ति भाव रखता है। इसलिए चुनाव बिल्कुल अलग हो गया है। फिर से तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये जनता का नारा बन गया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 370 बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। सर, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, तो अगर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा के पास है, देश में भी 400 सीटें भाजपा के पास है, तो आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को मजबूत करे। क्यों विपक्ष इस स्थिति में पहुंचा? उनके गलत फैसलों के कारण। उनका इस देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। आज कांग्रेस में इतना साहस नहीं कि रायबरेली से मैडम सोनिया गांधी चुनाव लड़े। क्यों ये दुर्गति हुई? राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं। अब जहां जड़ें थी, इंदिरा जी लड़ती थी वहां से, सोनिया जी लड़ती थी वहां से, तो जो कांग्रेस की ऐसी सीटें थी जो उसके प्राण हुआ करती थी, वहां उनकी जड़ें उखड़ गई और छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या ये बीजेपी का दोष है? कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। ये बात सच है कि लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष काम ही ऐसे कर रहा है कि जनता उसको पूरी तरह से साफ करने में लगी हुई। मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता और हैं, दिग्विजय सिंह। दो आरोप उन्होंने पिछले दो दिनों में लगाया है। एक, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन पे पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ईसीआई हमें वक्त नहीं देती, हमारी सुनती नहीं है, पक्षपात करती है। पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं उनका दूसरा आरोप। वो हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं, उनको पता है हारने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम फलाना ढिमका यही कहेंगे। बहुत चतुर राजनेता है, उनको पता हारना है, पूरी तरह हारना है, तो पहले से ही कारण बुंदो। And speak